डर लगे अगर हारने से तो चाह जीतने की मत रखना, क्योंकि गिरने से डरने वाले कभी उड़ा नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। कहने को तो एक शब्द है डर, लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरह ये भी अनलिमिटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और कई बार कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे डर लगता है और लगना भी चाहिए। अब सामने कोई तलवार लेके हमें मारने के लिए खड़ा है और मैं कहूँ कि डरना नहीं चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ डर लाइफ में रियल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसे फियर्स की जो रियल तो नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ में उन्हें इतनी इम्पॉर्टेंस दे रखी है कि अब वो हमारा एक पार्ट ही बन चुके हैं, क्योंकि इसे हम अपने अंदर खुद ही क्रिएट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसे मन से निकालने वाले भी हम खुद ही हो सकते हैं। डर बच्चों के फ्यूचर उनकी सेफ्टी का हो, या कुछ नया ट्राई करने का, किसी अपने को खोने का हो, या किसी पर्टिकुलर इंसान से डर लगता हो, या सबसे बड़ा डर जो ज़्यादातर लोगों को रहता है कि लोग क्या कहेंगे। डर के रीजंस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन डैमेज तो वो करता ही है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को। इससे बेटर वे में कहूँ तो फियर हमें पैरालाइज बनाता है। हम कहते हैं कि कुछ नया ट्राई करने से डर लगता है, जबकि डर उससे मिलने वाले रिजल्ट का होता है। और यही सोच सोच के कि रिजल्ट क्या होगा, वही बोरिंग सी लाइफ जीते रहते हैं और कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। जब हम वो चीज़ें ट्राई करते हैं जिसे करना मन को खुशी देता हो, तो रिजल्ट 100% अच्छा ही होगा। और अगर अच्छा नहीं भी होगा तो क्या हुआ, फॉरगेट एवरीथिंग एंड ट्राई अगेन, फेस एवरीथिंग एंड राइज। जब हम एफर्ट करना नहीं छोड़ते तो बंद रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डर हमें बाउंड करता है। अपनी लाइफ को वैल्यू दें और याद रखें कि असल में जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां डर का अंत होता है। बच्चों के फ्यूचर और सेफ्टी को लेके डर अपने मन में रख के वही चीज़ हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और शायद उससे अगली पीढ़ी को भी। उनकी सेफ्टी के लिए जो पॉसिबल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि यही प्रैक्टिकली राइट स्टेप है। ना कि डरे डरे रहना कि ना जाने कल क्या होगा या आज क्या होगा, ये टोटली नेगेटिव है। मैंने अपनी बेटी को स्कूटी चलाना, सारे रूल्स फॉलो करना सिखाया, लेकिन फिर भी उसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी आगे सोचने वाली हूँ। लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, क्योंकि जो होना ही है उसे आप रोक नहीं सकते, और उनका फ्यूचर भी उनका इंटरेस्ट और उसमें लगने वाला हार्डवर्क ही डिसाइड करेगा। उनके फ्यूचर गोल सेट करने में उनकी हेल्प करना और टाइम टाइम पे उन्हें गाइडेंस देते रहना, बस इतना ही काम है हमारा। उसके लिए मन में डर रख के उन्हें प्रेशराइज करते रहने से हम उनके कॉन्फिडेंस को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देंगे, बिकॉज नोबडी कैन परफॉर्म गुड बाय प्रेशर और फियर। सो अपने फियर को फेथ में चेंज करें, अपने बच्चों पे भरोसा रखें और बिना डर के ज़िंदगी जिएं। अपनी ही फैमिली में किसी पर्टिकुलर मेंबर से डरने वाला शख्स अपनी पूरी उम्र डर में ही बिता देता है। डर में जीना अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, पर ऐसा क्या है जो मजबूर कर देता है ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने में। इसका मेन रीज़न है कि हम खुद को वीक समझते हैं, क्योंकि दूसरे हमारी नज़र में ज़्यादा पावरफुल हैं। वो अपनी गलत बात को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं जितना हम अपनी सही बात को भी नहीं कह सकते। मेरा चैनल रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रांग वूमेन को, क्योंकि अपने चैनल पे ज़्यादातर मैं वूमेन को सेल्फ केयर और लव योर सेल्फ जैसी चीज़ों से मोटिवेट करती हूँ। तो आज का मोटिवेशन ये है कि सामने वाला पावरफुल तब तक होता है जब तक हम उसे पावरफुल मानते हैं। डर और रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट दिल में होती है, उसके लिए वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें पसंद भी नहीं, क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट घर का हर एक मेंबर डिज़र्व करता है। उसके लिए एज या पोस्ट मैटर नहीं करती। तो सबसे पहले किसी से भी डरना बंद करें, क्योंकि जितना डरोगे उतना ही वो डर स्ट्रांग होता जाएगा। टर्न बैक एंड फेस इट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप किसी से बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, बस आपको अपना पॉइंट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ
कहना आना चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको समझना ना चाहे तो इग्नोर करना आना चाहिए, क्योंकि जब दूसरों की कही हुई बातों या उनकी डांट को हवा में उड़ाना आ जाएगा तो ज़िंदगी बहुत मस्त हो जाएगी। नहीं तो बस दिल पे लगा के बैठे रहो और पूरी उम्र डर में जीते हुए अंत में दुनिया से चले जाओ। कई लोग दूसरों से इतना ज़्यादा डरते हैं कि बार बार बिना मांगे एक्सप्लेनेशंस देते रहते हैं। कभी किसी को सफाई ना दें, क्योंकि जिन्हें हम पे यकीन है उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं, और जिन्हें यकीन नहीं है वो मानेंगे भी नहीं। बार बार एक्सप्लेनेशन देने से खुद की इम्पोर्टेंस को हम ख़त्म कर लेते हैं। खुद की इम्पोर्टेंस बनाए रखते हुए दूसरों को रिस्पेक्ट तो दें, बट उतनी ही जितनी वो डिज़र्व करते हैं। अपने सामने दूसरों को कुछ भी ना समझने वाले लोगों से डरते रहना हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा वीक होते हैं। इसीलिए अपना डर और प्रेशर बनाए रखने के लिए वो ऊंची आवाज़ का यूज़ करते हैं और हम डर जाते हैं, क्योंकि बार बार इंसल्टेड होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और उन्हें इस तरह से इग्नोर करें कि उनका कुछ भी कहना मायने ही ना रखे। ये उनके लिए एक शॉक कम लेसन होगा कि वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई कुछ कहने से पहले खुद ही आपसे डरे। लेकिन जिनसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उन्हें खोने का डर भी चैन से जीने नहीं देता। मैंने पहले भी कहा है, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती। ज़िंदगी जीने का मज़ा इसी में है कि जब तक साथ में हैं इतनी ब्यूटीफुली और हैप्पीली ज़िंदगी जिए कि किसी के जाने के बाद वही यादें हमारी एनर्जी बनके हमें जीने का हौसला दें। किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना, उनकी केयर करना बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह अटैच्ड होना कि मन में उनसे बिछड़ने का डर ही बन जाए, टोटली रॉन्ग है। ऐसा करके तो हम ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को भी बदसूरत बना देंगे। बस जिनसे प्यार करते हैं उनकी इतनी केयर और रिस्पेक्ट करें कि उनके जाने के बाद भी ये रिग्रेट ना रहे कि आप उनके लिए और भी कुछ कर सकते थे लेकिन बिजी होने की वजह से नहीं कर पाए। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जिसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी नर्क बना रखी है, यानी कि लोग क्या कहेंगे। मेरी एक वीडियो भी है, हाउ टू लिव व्हेन पीपल क्रिटिसाइज यू, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये दो लाइन्स हर सवाल का जवाब दे देती हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन उसका इम्पैक्ट जब हम पे होना बंद हो जाएगा, देन ट्रस्ट मी, लोगों का आपके बारे में कुछ कहना भी अपने आप बंद हो जाएगा। कोई हमें कैसे जज करता है ये टोटली उनकी सोच पे डिपेंड करता है और उनके सोचने पे हमारा कोई जोर नहीं। जब मेरे बारे में कोई कुछ कहता है तो मेरा एक ही जवाब होता है, जो भी सोचने में आपको खुशी मिलती है आप सोच सकते हैं। किसी के कुछ कहने पे मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता और मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं ये मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। वैसे भी क्यों फ़र्क पड़ता है जब लोग हमें जज करते हैं, क्यों हम खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों की जजमेंट्स को देते हैं? और कई बार तो हम ओवरथिंक करने की वजह से खुद ही अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि ये करूँगी तो लोग क्या कहेंगे और वो करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। सो फर्स्ट, अगर आप उनमें से हैं जिनको दूसरों की हर बात से फ़र्क पड़ता है तो आप ज़िंदगी से डर को कभी नहीं भगा सकती, क्योंकि जहाँ ज़रा सा क्रिटिसिज्म आपको रुला देगा वहीं ज़रा सी एप्रिसिएशन से आप हवा में उड़ने लगेंगी। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, सो उनके लिए कुछ सुनना भी पड़े तो इट्स फाइन, क्योंकि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने का मतलब है कि आप अच्छा बने रहने के चक्कर में दूसरों को खुश करने में लगे हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते। लोग मेरे बारे में बातें करें इसका मतलब है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, जो कि लोगों की डिस्कशन का एक टॉपिक हूँ। सो फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। ज़िंदगी आपकी है, कैसे जीनी है ये भी आप ही सोचें। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है ये मैं डिसाइड करूँगी, कोई और मेरी लाइफ को रूल करे ये परमिशन मैं किसी को नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी से रिश्ता ही तोड़ लें, लेकिन लॉजिक के साथ अपना पॉइंट रखना सीखें और जहाँ पॉइंट काम ना करता हो वहाँ चीज़ों को इग्नोर करके बिना डर के हिम्मत और हौसले के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए जिएं। डर छोटा हो या बड़ा या उसका कोई भी रूप हो, जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे तब तक डर में ही जीते रहेंगे और इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर देंगे। आई होप इतनी सी वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।